बिल्कुल फाइनल हो गया बिहारी स्टाइल में। आप लोग बनाइए दोस्तों और खाइए, लेकिन दोस्तों रोटी के साथ ही बनाए खाइएगा, ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज आपके लिए नया रेसिपी लाए हैं, मुर्गे के पंजे। नया नहीं दोस्तों, है तो पुराना रेसिपी लेकिन तरीका कुछ नया। चलिए दोस्तों इसको हम बनाने को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले इसको आग में अच्छी तरह से छील के निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसको आग में बस हल्का हल्का सेक के इसका छिलका उतारना है। ज़्यादा दोस्तों इसको नहीं सेकिएगा, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा, गुद्दा ही निकल जाएगा। दोस्तों हल्का सा सेक के और इसका चमड़ा जो ऊपर वाला छिलका है दोस्तों उसको उतार लेते हैं, बिल्कुल अच्छे साफ सुथरा। ठीक है दोस्तों, उबालने से टेस्ट ज़्यादा ये आग वाला बनता है दोस्तों, तो आप लोग भी इसी तरीके कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम अच्छी तरह से सारे सफाई कर लिए हैं, अब इसको नाखून हम अच्छी तरह से इसको काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सारे को नाखून काट लेंगे फटाफट। देखिए दोस्तों, हमारा ये तेल गर्म हो गया है और तेजपत्ता डाल दिए दोस्तों। चलिए अब इसमें प्याज डाल लेते हैं अच्छी तरह से, और ये दोस्तों को 300 ग्राम करीब प्याज काट रखे हैं और आधा किलो पंजा ला के दोस्तों। चलिए दोस्तों हम फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं और कुछ अच्छा तरीका से दोस्तों आज बना के खाएंगे, तो आप लोग इसी तरीके से बनाइए और खाइए, बिल्कुल चटपटा और कुछ अलग डिजाइन से। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा पक लेने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अब मुर्गे के पंजे इसमें ऐड कर दिए हैं, हमारा प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका था दोस्तों, इसको हम ऐड कर दिए दोस्तों। अब इसको अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब इसको ढक्कन बंद करेंगे दोस्तों, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा पकने देते हैं। तो अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा दोस्तों, हमारा आधा किलो चिकन है तो लगा लगभग 1.5 चम्मच डाले हैं, आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें हम अदरक लहसुन का कूच लिए थे और मिर्च हल्दी और ये अपना क्या धनिया दोस्तों ये डाल दिए हम, और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। हमारा इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं दोस्तों, इस बार पीस के नहीं बनाएंगे, सिंपल तरीका से टेस्ट लाजवाब, इस तरीके से दोस्तों बनाए खाइए, कुछ गजब का स्वाद मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल रोटी के साथ खाने वाला बना रहे दोस्तों, लटपट एकदम, ज़्यादा तरी नहीं डालेंगे, ग्रेवी नहीं करेंगे। अब दोस्तों इसमें हम टमाटर ऐड कर लेते हैं, अब दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, तो ढक्कन बंद कीजिएगा, ढक्कन बंद करते हैं दोस्तों इसको कुछ देर के लिए, जब तक पक जाए हमारा ये। तो देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, अभी इतना मस्त लग रहा है दोस्तों, आधा तो पक चुका, आधा से ज़्यादा पक ही गया ना दोस्तों, बस 5-7 मिनट में तैयार है। देखिए बिल्कुल सूखा है दोस्तों, बस हल्का सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, बस रोटी के साथ खाना दोस्तों, और ये रोटी के साथ ही दोस्तों मज़ा आता है, अगर इसके साथ रोटी खाइए मज़ा आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका और खाने में टेस्ट ज़बरदस्त दोस्तों। दोस्तों पूरा बिहारी स्टाइल में बनाए हैं आज, पूरा बिहारी स्टाइल चिकन पंजा और रोटी के साथ दोस्तों बनाए खाइए, गजब का टेस्ट लगता है, देखना है दोस्तों पूरा बिहारी स्टाइल। दोस्तों थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेते हैं, रोटी के साथ खाना है दोस्तों, थोड़ा रख दीजिए, हल्का सा बस, हल्का सा लटपट रहना चाहिए दोनों। देखिए दोस्तों बिल्कुल पंजा तैयार होने जा रहा है, बस जल्दी उसके बाद कम से कम 20 को रोटी खाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया ये पंजा मुर्गे का, अब डालेंगे दोस्तों इसमें गरम मसाला, बिल्कुल फाइनल हो गया बिहारी स्टाइल में। आप लोग बनाइए दोस्तों और खाइए, लेकिन दोस्तों रोटी के साथ ही बनाए खाइएगा, ज़्यादा टेस्ट लगेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अब खाने, आप लोग बनाइए और खाइए दोस्तों, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।
फिर मिलते दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।